हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका एंड वान्याज वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ट्रिप का सेकंड डे है। फर्स्ट डे मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर किया था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज सेकंड डे है, मतलब 12 फरवरी, आज वान्या का बर्थडे है। तो हम लोग जा रहे हैं नैनीताल से मुक्तेश्वर, और मुक्तेश्वर जाने के लिए हमें 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो हम अर्ली मॉर्निंग नैनीताल से निकल गए थे, और मुक्तेश्वर भी बहुत ही अच्छी जगह है। आप सब लोग जानते हैं शिव जी का मंदिर है मुक्तेश्वर में, और भी कई वहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। और सबसे मेन हम लोग इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि नैनीताल से थोड़ा और हिल पे है मुक्तेश्वर, तो वहाँ पे हमें स्नो और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम हम लोगों ने वेस्ट नहीं किया था, हम मॉर्निंग में जल्दी निकल गए थे। और मुक्तेश्वर में जो सबसे पहले हम लोगों ने विज़िट किया था वो था गोलू बाबा का मंदिर, मतलब गोलू देव का मंदिर। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर था, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घंटियाँ ही लगी हुई थी। वहाँ के लोग काफ़ी इसको मानते हैं, और ये कहा जाता है कि आप अगर इस मंदिर में जाते हैं, अगर आपको कोई विश मांगनी है तो आप एक लेटर लिख के छोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे लेटर यहाँ पे घंटी के साथ लगे हुए हैं। आपको कोई विश मांगनी है तो आप अपने विश को लेटर में लिख के गोलू बाबा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अपनी घंटी के साथ आप मंदिर पर बांध सकते हैं। तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घंटियाँ ही थी, तो मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो ये मुक्तेश्वर से काफ़ी पहले ही पड़ जाता है, और वहीं पर हम लोगों ने सबसे पहले दर्शन करे। इसके बाद हम लोग गए टी गार्डन। टी गार्डन में प्रॉपर चाय के बहुत ही अच्छे प्लांट्स लगे हुए थे। एक छोटी सी फैक्ट्री थी वहाँ पे कि किस तरीके से वहाँ पे चाय बनाई जाती है, और पूरे में चाय के पेड़ लगे हुए थे। और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा था, उनको देखने को मिला, सीखने को मिला कि किस तरीके से प्लांट्स होते हैं चाय के, और उनको किस तरीके से तोड़ा जाता है, और उससे कैसे चाय पत्ती बनाई जाती है। तो काफ़ी अच्छा था। तो ये भी मुक्तेश्वर के रास्ते में ही था, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने विज़िट किया, और चारों तरफ देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पहाड़ पर चाय के जो पेड़ थे वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, और एक सीढ़ी नुमा की तरह यहाँ पर प्लांट्स लगे हुए थे जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर। यहाँ से टी फैक्ट्री से निकलने के बाद मुक्तेश्वर पहुँचने में हम लोगों को कम से कम 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि चारों तरफ काफ़ी बर्फ़ मिली हम लोगों को ऊपर, तो हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया। और रास्ते में ही ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों को माउंट एवरेस्ट व्यू जो देखने को मिला है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये माउंट एवरेस्ट का व्यू हम ओरिजिनल में देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक पेंटिंग या पोस्टर आगे लगा हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं कई जगह गई हूँ बट मुझे इस तरीके से व्यू कभी भी देखने को नहीं मिला। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे गए थे, तो जितना ऊपर जाते जा रहे थे उतना ही पहाड़ों पे इतनी ज़्यादा स्नोफॉल थी कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। Thank you.
खा सकते हैं, बट हम लोग थोड़ा सा इस वाले रास्ते से आए थे और वो भी बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा सा लंबा पड़ता है रास्ता, लेकिन काफ़ी मज़ा आता है यहाँ से जाने में भी। तो हम लोगों ने ये वाला रूट लिया था और उसके बाद जब मंदिर से हम लोगों ने दर्शन वगैरह कर लिए थे, उसके बाद हम लोग स्टेयर्स वाले रास्ते से नीचे उतरे थे। तो मैं मंदिर की ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, वरना मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती। काफ़ी बंदर हैं यहाँ पे, इसलिए कभी आप लोग जाएँ तो ध्यान रखिएगा। तो हाथ में जो भी सामान था छीन रहे थे, चाहे पानी की बोतल थी और कुछ भी उनको था कि यहाँ खाने पीने का है। तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी मंदिर का। तो अब हम लोग यहाँ से ऊपर मंदिर की तरफ जा रहे थे और फिर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे दर्शन करे यहाँ पे मुक्तेश्वर मंदिर में आके। और बहुत ही सुंदर मंदिर है मुक्तेश्वर का, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। मुक्तेश्वर मंदिर की तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बढ़िया से दर्शन करेंगे और उसके बाद जाएंगे नैनीताल। तो नैनीताल जाकर के ही हम वान्या का केक वगैरह कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने होटल में ही रूम में ही थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी थी, बैलून्स वगैरह मैं लेके ही गई थी यहाँ से, तो वही सब मैंने यहाँ पे